खुशामदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। शहर में आज अचानक बारिश से मौसम हुआ सुहाना, साथ ही पुराने शहर में अफसोसनाक हादसा। हैदराबाद शहर के मादानापेट में तेज हवाओं के साथ बारिश से एक झाड़ और इलेक्ट्रिक पुल गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वाकये में कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई, पर एक कार को भारी नुकसान पहुंचा। बताया गया है कि आज शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मादानापेट में मौजूद एक सीमेंट के इलेक्ट्रिक पोल गिर पड़ा और इसकी जद में आ जाने से इलेक्ट्रिक पोल के सामने मौजूद बड़ा झाड़ भी गिर पड़ा। इलेक्ट्रिक पोल के गिरने से इस इलेक्ट्रिक पोल के नीचे खड़ी कार को भी भारी नुकसान हुआ। बड़ा झाड़ भी इन तेज हवाओं के चलते जड़ से उखड़ गया। इस खौफनाक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाकये की इत्तला के साथ ही कुरमगुड़ा डिवीजन से वाबस्ता AIMIM के कॉरपोरेटर मोहम्मद शफत अली के अलावा दूसरे लीडरों ने भी वाकये की तफसील हासिल की। साथ ही DRF टीम के अलावा इलेक्ट्रिक स्टाफ को बुलाया गया और इलाके में सफाई और लाइट का काम कराया गया। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद तफसील हमारे नुमाइंदे लतीफ कामरान अंसारी की यह खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूज चैनल SKM 91 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मादानापेट के इलाके में बारिश के चलते यहाँ पे एक झाड़ गिर गया था, जिसकी इत्तला सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब को मिलने पर और अहमद पाशा खादरी मुकामी MLA को मिलने पर उन्होंने मुझे हिदायत दी और मैं यहाँ पर आकर देखा हूँ यहाँ के हालात को। और DRF की टीम को इत्तला दी गई और इलेक्ट्रिकल टीम को भी इत्तला दी गई थी। अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, एक यहाँ पे कार ठहरी हुई थी जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल पोल गिर गया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के कॉन्ट्रेक्टर भी यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसकी राहत दी जाएगी। और यहाँ पे मुकामी इब्तदाई के सदर जनाब नईम इफ्तिखारी साहब और इब्तदाई के सदर सुबान साहब भी मौजूद थे, जो यहाँ पे यह हादसा होने से जो है ना ठहर कर यहाँ पे राहत पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।